Ujjal Singh, Tasha Goyal, and Ankit Zinzala. We are presenting Shwet Antenna Pranita. All of you know that why is Japan is famous for? Are you answering? Automobile. And China? Electronics. Anyone know that in which India is famous? No, but I know Amul that. Amul Devi. Yes, India is famous for Amul Devi. But it is known by only some people. All of you eat the Amul products. सबके घर में अमूल प्रोडक्ट्स आते ही होंगे. सब लोग जानते हैं कि अमूल प्रोडक्ट अमूल किस अमूल एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है इंडिया के लिए. लेकिन कोई जानता है अमूल की किस शुरुआत किसने की थी? मेरे ख्याल से बहुत कम जन जानते होंगे कि अमूल किसने शुरुआत की. तो आज हम उसके बारे में बताएंगे कि अमूल की शुरुआत किसने हुई, कब हुई और किस कंडीशंस में हुई. तो आज हम दो पीपल के बारे में बताएंगे जिन्होंने अमूल की शुरुआत की और उनके कोऑर्डिनेशन से आज अमूल एक इतनी बड़ी ब्रांड बना जिसके लिए इंडिया वर्ल्ड फेमस है. तो अमूल की एक पहले छोटी सी झलक देखते हैं. अमल फैक्ट्री की छोटी सी पटेल का जन्म 22 अक्टूबर 1903 में हुआ था. जब ये छोटे थे तब ये अपने स्कूल के अंदर से वहाँ पे जाते थे तालाब के किनारे और वहाँ पे वो बैठ के खाते थे रेवड़ी और चवाण. जैसे कि आज सब लोग जानते हैं कि आज मेरे हिसाब से सब लोगों ने बंक मारा होगा स्कूल. आपने स्कूल बंक मारा है? यहाँ पे आधे से ज्यादा दिन बीच पे जाते हैं. वैसे वो लोग तालाब के किनारे जाते थे और वहाँ पे लोगों ने एक दिन डिसाइड किया कि वो लोग एक टॉपिक के ऊपर बोलेंगे सब मिलके. और वो टॉपिक जब त्रिभुवनदास पटेल को बनाया तब उन्होंने सहकार वाले टॉपिक के ऊपर बोलने का सोचा. और सहकार टॉपिक पे उन्होंने अपने काका के बेटे से बुक ली थी उसके अंदर से बोला और उन्होंने इतने अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया कि जो सहकार टॉपिक था वो उन्होंने अपने लाइफ के अंदर उतार लिया और हर काम सहकार की मदद से करते थे. और त्रिभुवनदास पटेल को अगर अवार्ड भी मिले वो सहकार की वजह से. जैसे भारत सरकार ने उनको दिया था पद्म भूषण और ये उनको रोमन मैग्सेसे अवार्ड मिला हुआ है फिलीपाइंस का कम्युनिटी लीडरशिप की वजह से. और जो त्रिभुवनदास पटेल थे वो कुछ ऐसे दिखते थे और ये उनकी छोटी सी एक झलक है. त्रिभुवनदास पटेल ने बहुत सारे काम किए हुए हैं और वो बहुत फेमस थे इंडिया के अंदर. जब वो स्कूल लाइफ में पढ़ते थे तब उन्होंने गुजरात से अपनी कॉलेज कम्प्लीट की थी और फिर उन्होंने जब वो स्कूल लाइफ के अंदर थे तभी से वो महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो भी थॉट्स और थिंकिंग थी उससे बहुत प्रभावित हुए थे और उन्होंने सोचा कि वो क्यों ना देश के आज़ादी के मूवमेंट में साथ दें. उसकी वजह से उन्होंने 1930 के अंदर नमक आंदोलन के अंदर साथ दिया. 1940 के अंदर खेड़ा जिला के जो खेडूत थे उनके साथ में मिलके एक मंडली तैयार की और 1940 और 41 के अंदर उनको जेल भी जाना पड़ा. और आज की तारीख में कोई भी अच्छा काम करता है उसको भी शायद जेल ही जाना पड़ता है. ये या तो जेल जाता है या फिर उसको कोई बहुत बड़ा अवार्ड मिलता है. और यहाँ पे त्रिभुवनदास पटेल के साथ दोनों चीज़ हुई थी. अच्छे काम के लिए वो जेल भी गए थे और अच्छे काम के लिए उनका अवार्ड भी मिला था. अवार्ड पहले बता चुके हैं जो उनको मिला था. भारत सरकार ने दिया था पद्म भूषण और फिलीपाइंस का रोमन मैग्सेसे अवार्ड. और त्रिभुवनदास पटेल इसके अंदर आपको खेड़ा दूध उत्पादक सहकारी मंडली लिमिटेड के बारे में बताया हुआ है. और जो त्रिभुवनदास पटेल थे उन्होंने इसको अपने एक पिता होता है वो अपने बेटे के लिए बहुत कुछ करता है. वो अपने बेटे को मैच्योर बनाता है उसकी देखभाल करता है. वैसे ही त्रिभुवनदास पटेल ने खेड़ा दूध उत्पादक सहकारी मंडली लिमिटेड के लिए एक पिता के जैसा काम किया. उसके अंदर उन्होंने बहुत मेहनत की उसको इतना मैच्योर बनाया कि आगे जाके जो खेड़ा दूध उत्पादक सहकारी मंडली लिमिटेड थी वो एक अमूल मॉडल बनी और उसका अब नाम है अमूल डेयरी. वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है साथ और उसका दूध 50 से भी ज़्यादा देशों में जाता होगा. अपने देश में भी अमूल बहुत फेमस है. अमूल बहुत सारे ब्रांड्स बनाते हैं, अमूल बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं और वो एक टॉप की ब्रांड है. वो वर्ल्ड की 13th लार्जेस्ट फैक्ट्री है अमूल है. उसके स्वप्नदृष्टा भी त्रिभुवनदास पटेल थे और उनका जन्म आनंद में हुआ था 22/10/1903 में. उनके पिताजी का नाम था किशी भाई पटेल और उसका जो अमूल डेयरी का जो पत्थर रखना बोलते हैं ना कि जैसे ही बिल्डिंग बनाते हैं तो उसके लिए सबसे मेन काम करती है ईंट, वैसे इसकी ईंट त्रिभुवनदास पटेल ने रखी थी. और त्रिभुवनदास पटेल पूरे गुजरात और
जो फार्मर्स होते हैं उनके लिए गर्व की बात है कि त्रिभुवनदास पटेल जैसे महान व्यक्ति अपने गुजरात में जन्म लिया था। त्रिभुवनदास पटेल, ये त्रिभुवनदास पटेल जो त्रिभुवनदास पटेल थे उन्होंने अपना जो शिक्षण था वो गुजरात के विद्यापीठ में से लिया था। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचारों से वो प्रभावित भी हुए थे। 1930 में जैसे मैंने बताया था मीठा सत्याग्रह, 1940-41 में वो जेल में गए थे और 1940 में खेड़ा जिला के खेडूतों के साथ मिलकर उन्होंने बहुत सारे एक सहकारी मंडली स्थापना की थी। फिर खेडूतों के पास जो खेडूत थे उसके पास एक पॉल्सन नाम की कंपनी थी, वो बहुत सस्ते दाम में दूध लेती थी और उसको बहुत महंगे भाव में बेचती थी जिससे खेडूतों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता था। और वो अपने त्रिभुवनदास पटेल देख नहीं पाए, उस वजह से उन्होंने इनके लिए एक मंडली की स्थापना की और अमूल डेयरी की स्थापना की। और वो उन्होंने 1950 के अंदर स्टार्ट की थी वर्गीज कुरियन के साथ में मिलकर। अब इसके अंदर लिखा हुआ है कि सहकारी मंडली की स्थापना अंगे विचार विष्णु वावतार करना सरदार वल्लभ भाई पटेल था जो उसका बीज डालने वाले थे। जैसे बोलते हैं ना हर चीज के अंदर बहुत सारे मोटिवेटर्स होते हैं और बहुत सारे लोग काम को कंप्लीट करते हैं, वैसे इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी बहुत बड़ा हाथ था। और उसके स्वप्नदृष्टा त्रिभुवनदास पटेल थे और उसके शिल्पी मतलब जो एक स्ट्रक्चर तैयार करते और उसको एकदम बेस्ट बोलते हैं ना वर्ल्ड के सामने एकदम बेस्ट तरीके से प्रेजेंट करने वाले वो शिल्पी थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन। और आज की तारीख में शायद तक कोई ऐसा फ्रेंड होगा जो लड़ाई नहीं करता होगा, मस्ती नहीं करता होगा, ऐसा कोई भी फ्रेंड नहीं होगा तो 2 साल से ज़्यादा अपनी फ्रेंडशिप निभा सकता हो। लेकिन डॉक्टर वर्गीज कुरियन और त्रिभुवनदास पटेल ने 40 साल तक एक साथ काम किया और वो कोई फ्रेंड नहीं था, वो पार्टनर्स थे। और आप सोच सकते हैं कि पार्टनर जिन्होंने कितनी ज़्यादा मेहनत करी होगी, इनके बीच में कितना अच्छा कोऑर्डिनेशन बैठा होगा जिसकी वजह से आज अमूल डेयरी इतनी वर्ल्ड फेमस है। इसके अंदर बताया हुआ है कि जो सहकारी मंडली थी भैया जो भी आपको बताया 1994 के अंदर 3 जून 1994 त्रिभुवनदास पटेल की मृत्यु हुई थी जब वो 91 ईयर्स के थे। और उन्होंने बहुत साल तक काम किया, उन्होंने बहुत सारे काम किए। जैसे अभी इस पैराग्राफ के अंदर आपको बताएंगे कि उन्होंने क्या क्या किया। ये त्रिभुवनदास फाउंडेशन है जो उनके वाइफ ने स्टार्ट किया था और इसके लिए 6,80,000 रुपये का योगदान हुआ था। जो उनके बोलते ना संस्था होती है, संस्था के अंदर जितने लोगों थे सब लोगों ने सिर्फ 1-1 रुपये दिए और उसे 6,80,000 रुपये उनको मिले थे। और उससे उन्होंने त्रिभुवन फाउंडेशन की शुरुआत की थी। और त्रिभुवन फाउंडेशन एक ऐसी संस्था थी जो गांव-गांव जाती थी, शहर-शहर जाती थी और उसने कम से कम 600 गाँव को कनेक्ट किया था त्रिभुवन फाउंडेशन के अंदर। और त्रिभुवन फाउंडेशन के अंदर जो उनकी वाइफ थी उनका नाम था मणि बहन पटेल, उन्होंने बहुत काम किया था और उन्होंने बहुत उनका बोलते हैं ना रोल मॉडल एक उसके लिए वो थी। उसके अंदर उन्होंने वुमेन और चिल्ड्रंस बच्चों और महिलाओं के ऊपर बहुत ध्यान दिया था। और उनकी एक गांव होता है उसके अंदर बोलते हैं ना स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता बच्चों का, एकदम सब बीमार पड़ जाते हैं, जल्दी मर जाते हैं, उनकी उम्र भी कुछ ज़्यादा नहीं रह पाती है। उसके लिए उन्होंने वहाँ पे गाँव के अंदर गए, उन्होंने बहुत सारी मेहनत की और जो भी लेडीज़ थे और बच्चे थे उनके स्वास्थ्य पे ध्यान दिया। और आजकल रोड पे भी देखते हैं अपन कि जो गायें चलती रहती हैं उसको एसेंस वाले पकड़ के लेकर जाते हैं और क्या क्या करते हैं उनके साथ, बहुत बुरा करते हैं। और उन्होंने गायों का भी साथ दिया और जो भी पशु थे उनकी जो भी नीड्स होती थी जैसे खाना हो गया, पानी हो गया, उनकी हेल्थ सेक्टर के ऊपर बहुत ध्यान दिया था उन्होंने। और त्रिभुवन जो दास थे उनके जैसे आपको पहले दिखाई थी कि उनको कम्युनिटी लीडरशिप के लिए फिलीपींस का रोमन मैग्सेस अवार्ड मिला हुआ है। और भारत सरकार ने उनको 1964 के अंदर भारत सरकार ने उनको पद्म भूषण अवार्ड दिया था और इसके अलावा उनको छोटे मोटे बहुत सारे अवार्ड मिले। जब 1971 के अंदर अमूल डेयरी के अंदर से त्रिभुवनदास पटेल ने निवृत्ति ले ली थी और जिसकी वजह से जो वहाँ के लोग थे बहुत उदास हो गए थे और सब लोगों ने सोचा कि क्यों ना अपन इनको एक गिफ्ट दे। आज भी जैसे कोई फ्रेंड या फिर कोई टीचर जा रहा रहता है तो अपन उसको एक सरप्राइज देने के लिए बहुत एक्साइटेड रहते हैं कि भाई तू जा रहा है तो हमको याद रखेगा, कुछ ऐसा काम हम करते हैं। तो फिर जो वहाँ के लोग थे, वर्कर्स थे उसके त्रिभुवन फाउंडेशन के, उन्होंने सबने मिलकर 1-1 रुपये इकट्ठे किए और 6,80,000 रुपये इकट्ठे हो गए थे जिससे त्रिभुवन फाउंडेशन की शुरुआत हुई थी। और उनके वाइफ का नाम था मणि बहन पटेल। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने विचार बीज की स्थापना की थी जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। इसके अंदर वही बताया गया कि जो त्रिभुवनदास पटेल थे वो उसके स्वप्नदृष्टा थे और आज भी त्रिभुवनदास पटेल बहुत काम करते थे और उनके दिल में जन कल्याण की एक इमेज बैठ गई थी। और वो ऐसे थे कि जिन्होंने पैसे पैसे में भरोसा नहीं रखते थे, लोगों के कल्याण पर भरोसा रखते थे।
इस वजह से वो जहाँ पे भी काम करते तो वहाँ पे ज्यादा रुपए नहीं लेते। तो उन्होंने बहुत सारी संस्थाओं में काम किया हुआ है, जैसे कि NDDB है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, और GCOMF, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन। ये दोनों संस्था के अंदर उन्होंने बहुत काम किया था। और जो NDDB थी उससे उन्होंने पगार के लिए 1 रुपये भी नहीं लिया, और जो GCOMF थी उससे उन्होंने पगार के लिए 5,000 रुपये लिए थे, और उससे वो कुछ भी नहीं कर पाए थे। ऐसा 5,000 रुपये में एक बंदा क्या कर ले, कुछ नहीं कर सकता। और नॉर्मल एक संस्था इतने रुपए तो दे सकते हैं पगार के लिए। अभी आपको डॉक्टर वर्गीस कुरियन के बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे। डॉक्टर वर्गीस कुरियन हमारे त्रिभुवन दास के साथ थे, उनके पार्टनर थे, और उन्होंने पूरे त्रिभुवन दास के साथ 4 दायित्व सुधी काम किया। और उनका डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने इंजीनियरिंग पास की, और वो 1944 में इंजीनियर पास करके टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, आप सब जानते हैं टाटा टिस्को जो बहुत फेमस है, उसमें उन्होंने इतनी बड़ी नौकरी की। लेकिन तो भी उन्होंने थोड़ी समय पर नौकरी छोड़ दी। पता है क्यों? क्योंकि है ना, उनके मामा जो वहाँ के हेड डायरेक्टर थे वो वहाँ पे आया जाया करते थे। उनको लगता था कि वो मैं अब क्या सिर्फ भानेज रहा हूँ, अब मैं त्रिभुवन नहीं रहा। इसलिए उन्होंने इतने उदार थे वो लोग कि उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। और अब उनका ये है हमारे प्यारे से वर्गीस कुरियन, बेस्ट मैन ऑफ गुजरात राज्य। गुजरात में जो आनंद आया वो है, उसमें अमूल डेयरी की शुरुआत में उसको मिल्क सिटी बनाने में वर्गीस कुरियन ने बहुत साथ दिया। और वो वर्गीस कुरियन का जन्म 26 नवंबर 1921 में हुआ था। वहाँ के कोलाला केरला डिस्ट्रिक्ट में एक शहर है, गांव है, वहाँ पे उन्होंने जन्म लिया। एक गांव के होने के बाद भी वर्गीस कुरियन इतने कैपेबल थे कि उन्होंने इंजीनियरिंग की। उनकी माता का संगीत में रस था, और उनके पिता पोथे कोरक्कल कुरियन वो एक बहुत बड़े डॉक्टर सिविल इंजीनियरिंग थे, इंजीनियर थे। तो भी उन्होंने सिविल सर्जन थे, तो भी उन्होंने उनकी माता से संगीत सीखा और बहुत बड़े आज इंजीनियर बने। उनको इतने बड़े कॉलेज में नौकरी मिली, कॉलेज में एडमिशन मिला और उन्होंने टॉप किया वहाँ पे। और वो पिंडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में गए, उन्होंने वहाँ से इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त की। उन्हें न्यूक्लियर साइंस और फिजिक्स में इंटरेस्ट था, तो वो आगे गए और उनको स्कॉलरशिप मिली। जैसे बताया धातु शास्त्र और न्यूक्लियर साइंस में बहुत इंटरेस्ट था, तो उनकी इच्छा थी कि वो करें। तो उनको ब्रिटिश सरकार के द्वारा स्कॉलरशिप मिली। आजकल हमें तो इतनी जल्दी से स्कॉलरशिप नहीं मिलती, तो भी ब्रिटिश सरकार ने उनको स्कॉलरशिप दी। और उनको वहाँ बेंगलोर जाना पड़ा, 8 महीने के लिए बेंगलोर जाना पड़ा पढ़ाई करने के लिए। उसके बाद वो गए वहाँ पे यूनिवर्सिटी में, मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी। आज सब जानते होंगे मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसमें एडमिशन मिलना मतलब बहुत बड़ी बात है। तो भी कुरियन ने वो करके दिखाया और उनको यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला। और 1948 में वो भारत वापस आए, जब हमारा स्वतंत्र आंदोलन चल रहा था, मतलब खत्म हो गया था, तब वो भारत वापस आए। ये है हमारी अमूल फैक्ट्री, थोड़ी अंदर से हमारी अमूल फैक्ट्री। 1949 में शुक्रवार को सहकार आनंद में कुरियन, जब इस दिन 13 को शुक्रवार के दिन भारत में उन्होंने रखा अपना पहला कदम, और डेयरी और आनंद में गए। उन्होंने 8 महीने तक कुछ भी नहीं किया। एक आदमी जो 8 महीने तक कुछ भी नहीं कर सकता, अचानक उसको दिमाग आया कि उसको कुछ करना चाहिए। तो वो उन्होंने त्रिभुवन दास से मिले और उनके साथ मिलकर त्रिभुवन खेड़ा दूध उत्पादक सहकारी मंडी लिमिटेड की स्थापना की। अब आपको थोड़ा सा बताएंगे चिलाड़ी।
जो डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे उन्होंने ऑपरेशन फ्लड नाम का एक ऑपरेशन था उसको स्टार्ट किया था। ऑपरेशन फ्लड के अंदर, वैसे फ्लड का मतलब तो होता है जैसे पानी की बाढ़ आती है, इसके अंदर वो मतलब नहीं ऑपरेशन फ्लड का मतलब। इसमें ऑपरेशन फ्लड का मतलब है कि जैसे जो अपने इंडिया उसके अंदर दूध का जो उत्पादन है वो कैसे बढ़ाया जाए, उसके अंदर कैसे मोटिवेशन लाया जाए, और जो फार्मर्स हैं और जो दूध निकालते हैं उसकी उनकी कैसे मदद की जाए, उनको फाइनेंशियल हेल्प कैसे की जाए, वो सब उन्होंने इसके अंदर किया था। ये देखिए ऑपरेशन फ्लड उन्होंने स्टार्ट किया था और इसके शिल्पी थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन। उन्होंने इसके अंदर ये किया था कि ना जैसे ऐसा पहले माना जाता था कि जो पश्चिमी गाय हैं खाली उनके दूध का मिल्क पाउडर बन सकता है, लेकिन डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने इसको गलत साबित किया। डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने अपने इंडिया के अंदर अपने भारत देश की जो भैंस आती है ऐसा माना जाता था कि उनका दूध का पाउडर नहीं बन सकता, लेकिन उन्होंने इसको पॉसिबल करके दिखाया और भैंस के दूध में से उन्होंने पाउडर बना के दिखाया, जो शायद है कि किसी के लिए उस वक्त सोच पाना बहुत मुश्किल था जो डॉक्टर वर्गीस कुरियन कर सके। ये अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया, ये जो लाइन है द टेस्ट ऑफ इंडिया, इसको सुनते सबके मुंह में पानी आ जाता है। क्या आपके मुंह में पानी आया? आया। देखिए अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया, सब जानते हैं कि टेस्ट ऑफ इंडिया सुनते मुंह में पानी आ जाता है। ये जो मिल्क का जो उन्होंने गाय भैंस के दूध में से पाउडर बनाया था जो भैंस का इस्तेमाल करके, वो ये है मिल्क पाउडर। जो डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे उन्होंने अपने भारत के अंदर बहुत काम किया था, जैसे उनके दोस्त ने त्रिभुवनदास पटेल ने किया था, वैसे डॉक्टर वर्गीस कुरियन पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस हुए। और वो आनंद मॉडल, जैसे अमूल मॉडल है वैसे ही एक आनंद मॉडल है डॉक्टर वर्गीस कुरियन, उन्होंने आनंद मॉडल बने। और जो अपनी भारत सरकार थी उसके बोलने पर उन्होंने बहुत सारा काम किया और NDTV की स्थापना की थी उन्होंने। इसके अंदर बताया हुआ कि NDTV के अंदर वो जब चेयरमैन थे तब तक वो 33 साल तक उन्होंने NDTV के अंदर चेयरमैन की तरह काम किया। और जो डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे उन्होंने निवृत्ति ली तब तक उन्होंने एक पैसा भी नहीं लिया हुआ था NDTV से। और उसकी वजह से जो अपने गुजरात सरकार थी उसके अंदर से उन्होंने जो अपनी इंडियन थी उन्होंने उसको ERMA इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मार्केटिंग के अंदर भी वो गए और उन्होंने बहुत सारा काम किया। जब तक वो 57 वर्ष के थे तब तक उन्होंने काम किया। आज की तारीख में तो 60 साल के बाद सब लोग रिटायरमेंट लेके बैठ जाते हैं पेंशन के पैसे भी जीते, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने 57 वर्ष तक काम किया था। और जो डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे उन्होंने एक बुक लिखी है उसके अंदर उनका एक टॉपिक था मारू स्वप्न, जिसके अंदर एक ये उनकी एक बुक थी तो मारू स्वप्न, उसके अंदर एक किस्सा बताया उन्होंने अपनी लाइफ का। जब वो अपने अमूल की फैक्ट्री में गए थे तब उन्होंने एक वर्कर था उसको मलाई खाते हुए देख लिया। तब वो जो वर्कर था उसने सोचा कि अब कल तो मेरी नौकरी गई, क्या करेंगे डॉक्टर वर्गीस कुरियन, मेरे को कुछ नहीं पता, मैं तो बहुत टेंशन में आ गया। मैं आप लोगों से एक जनरल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, अगर आप उस वक्त डॉक्टर वर्गीस कुरियन के लगे होते तो आप क्या करना चाहते हैं? उसको जॉब से निकाल देते। आप जॉब से निकाल? लेकिन डॉक्टर वर्गीस कुरियन ऐसे व्यक्ति थे जो अपने दिमाग से काम लेते थे और दिल से भी काम लेते थे। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, उन्होंने उस व्यक्ति को जॉब से नहीं निकाला, बल्कि अगले दिन उन्होंने अपना जो फैक्ट्री थी उसके मैनेजर को जाके बोला कि आज से हर व्यक्ति को जो भी अपने यहाँ पे काम करता है उसको 1-1 लीटर दूध दिया जाएगा, क्योंकि दूध पूर्ण खुराक होता है, इसके लिए उनको वो सब दिया जाएगा। और पूर्ण खुराक अगर किसी को मिल जाए तो वो काम भी अच्छे से कर सकता है, उसका दिल भी लगे, और कोई भी ऐसे चुरा करके मलाई वलाई दूध कुछ भी नहीं खाएगा। और अमूल एक ऐसी चीज़ है जो दूध को प्रोड्यूस करती है, चीज़ को प्रोड्यूस करती है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स अमूल प्रोड्यूस करती है। नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर, जब डॉक्टर वर्गीस कुरियन का बर्थडे आता है वो नेशनल मिल्क डे की तरह भी जाना जाता है। दूसरा प्रश्न, उस वक्त एक बहुत अच्छे फिल्म डायरेक्टर थे जैसे आज की तारीख में रोहित शेट्टी है, SS राजमौली है, उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी पिक्चर्स बनाई है, वैसे उस वक्त श्याम बेनेगल है जिन्होंने एक पिक्चर बनाई, वो एक पिक्चर बनाना चाहते थे त्रिभुवनदास पटेल और डॉक्टर वर्गीस कुरियन के ऊपर। तो उन्होंने उनको बोला कि फिल्म बनाने के लिए 10-1 लाख रुपए का खर्चा आएगा, तो वो खुद तो इतने रुपए दे नहीं सकते थे क्योंकि वो खुद अपनी पकड़ लेते थे 5,000 रुपए। तो उन्होंने जो भी लोग थे उनके वर्कर्स थे उनसे सबको बुलाया और एक जनरल मीटिंग बैठाई, उन सबको एक ही चीज़ बोली कि अगर तुम सब 1-1 रुपए भी टोकन के लिए देते हो तो मेरे लिए बहुत कुछ हो जाएगा और मैं पूरी फिल्म बनवा सकता हूँ। तो जब उन्होंने सबसे 1-1 रुपए लिए तब 10-1 लाख रुपए का इंतजाम हो गया।
उस पर जैसे एक फिल्म बनी जिसका नाम था मंथन। वो मंथन फिल्म के अंदर इनके लाइफ के ऊपर सब कुछ बताया हुआ और अमूल फैक्ट्री कैसे बनी, उसके ऊपर क्या क्या रिसर्च हुआ, कितनी मेहनत लगी उन लोगों की, उन्होंने कितना अपने दिल से काम किया, कितनी मेहनत की, वो सब बताया उस फिल्म के अंदर। ये मंथन मूवी है जो उस वक्त बनाई थी श्याम बेनेगल ने, ये उसका पोस्टर है। ये श्याम बेनेगल है जिन्होंने वो पिक्चर बनाई थी मंथन। और 26 जब उनका जन्मदिन आता है 26/11 उस दिन गूगल अपना होम पेज का नाम गूगल से डूडल कर देते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी भाई देसाई, ऐसे कई बहुत महान महान व्यक्ति थे जिन्होंने अपने देश के आज़ादी के लिए बहुत कुछ काम किया था, अपने प्राण तक त्याग दिए थे, उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए थे। और उनके साथ ये बहुत अच्छे दोस्त थे उनके। और एक मारू सपना है उसके अंदर उन्होंने सब कुछ बताया हुआ है, उसके अंदर उत्तम विचार, अपने मन में अच्छे सोच रखो, अच्छे विचार रखो, कोई भी गलत काम मत करो, कौशल्य योजना, दूर दृष्टि, सब दूर का सोचो। ये नहीं कि आज मेरे को ये करना है कर लेते हैं, कल का जो होगा कल सोचेंगे, ऐसा नहीं, कल का भी सोचो और आज जो कर रहे हो कल के ऊपर बेस करके करो। ये सब है वो सर्वोत्कृष्ट थे और उन्होंने बहुत सारी सेवाएं आप की अपने देश के लिए और बहुत कुछ काम किया था, जैसे कि अभी आपको बताया हुआ। ये अमूल के प्रोडक्ट्स है, सब लोग जानते हैं कि अमूल में से दूध, दही, घी, छाछ, पनीर और बहुत कुछ बनता है, जैसे कि इसमें सब आप देख सकते हैं। और इस चैप्टर का आलेखन किया था रमेश चंद्र डी पांड्या ने। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। इसके अंदर आपको समानार्थी शब्द बताए हुए हैं, आप इसमें से रीड कर सकते हो, आपको जो भी रीड करना है, और कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हो, यहाँ पे डाउट सेशन भी रखा गया है। इसके अंदर स्वार्थ परमार्थ और अवगत अशक्य शक्य स्वावलंबी परावलंबी सक्रिय निष्क्रिय आवक चावक सहकार असहकार न्याय अन्याय उद्गार संहार प्रसिद्ध बदनामी सार्थक निरर्थक मान्य अमान्य निवृत्त प्रवृत्त यश अपयश। ये क्वेश्चन आंसर से इंपॉर्टेंट जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में बहुत काम आने वाले। वर्गीस कुरियन त्रिभुवन दास ना कया गुरु थी प्रभावित थई ने तेमने गुरु मानता हता, तो वर्गीस कुरियन किस, इसका क्वेश्चन का मीनिंग है कि वर्गीस कुरियन त्रिभुवन दास के किस गुण से प्रभावित होके उनको अपना मॉडल मानते थे आइडियल। तो इसमें ये है कुरियन ने आनंद में अकबर फैला खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में प्रोड्यूसर यूनियन लिमिटेड नाम की संस्था सहकारी क्षेत्र पापा पाड़ी पगला पाड़ी रही। मतलब कुरियन के आने से पहले, भारत में आने से पहले जो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट मिल्क प्रोड्यूसर यूनिवर्स प्रोड्यूसर यूनियन लिमिटेड थी वो बहुत ज़्यादा फेमस थी इंडिया के अंदर, वो उससे ना त्रिभुवन दास चला रहे थे। तो जीवना निवृत्त आ संस्था में कार्यरत था देव त्रिभुवन दास पटेल साथ ही कुरियन मिला मुलाकात आई, मतलब कुरियन के साथ त्रिभुवन दास की कुरियन के साथ मुलाकात हुई वहाँ पे। तो उनका परिचय जानते उनको पता चला कि त्रिभुवन दास कैसे निस्वार्थ भाव से रहते हैं, कि उनके मन में कैसी परोपकार की भावना है और उनके मन में कैसे मक्कमता है, उससे प्रभावित हो गए और वो त्रिभुवन दास को अपना गुरु और मार्गदर्शक मानने लगे। इससे उनके साथ काम करना शुरू किया और खेड़ों ने खुदा ना धोती दूध बेचान अन्य व्यापारियों के दवालों हाँ। तो उसमें ये बताया कि ना दोनों ने मिलकर पहले मार्गदर्शक बने त्रिभुवन दास उनके, और उन्होंने काम साथ में काम करना शुरू किया और खेड़ों तो की सारी प्रॉब्लम्स दूर की दूध की और सकता। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन, इसमें ये है कि इंजीनियर ना अभ्यास पूर्ण था, कुरियन कई कंपनी में पसंद की थई हती, ते कंपनी में एने शाह माटे छोड़ी दी थी। मतलब कि कुरियन की ना इंजीनियर पूरी होने के बाद कौन सी कंपनी में नौकरी लगी और उन्होंने वो नौकरी क्यों छोड़ी। तो जैसे मैंने आपको चैप्टर में बताया था कि कुरियन को इंजीनियर पास करने के बाद उन्हें टाटा और डिस्कॉम में कंपनी में नौकरी की थी और उसमें वो बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रहे थे, लेकिन उनके जो मामा थे वो उसमें डायरेक्टर थे, तो जॉन मथाई उनके मामा का नाम था, वो उसमें डायरेक्टर थे, तो वो वहाँ आया जाया करते थे, वो जमालपुर वो जमशेदपुर में थे, तो फिर वहाँ पे आया जाया करते थे, तो वो कंपनी में काम करते थे, तो उसको लगता था कि मैं उनका सिर्फ बना भाड़ी जाऊँ, अब मैं यहाँ का एम्प्लॉय नहीं रहा हूँ, तो फिर उन्होंने
उनको अच्छा नहीं लगता था, वो बहुत इमोशनल हो गए थे और फिर उन्होंने खुद की नौकरी छोड़ दी। वो बहुत आत्मविश्वास धरावना थे इसलिए उन्होंने अपने मामा के डर से नौकरी छोड़ी। ये इसमें क्वेश्चन ये था है हमारा कि बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें ये है कि सहकारी क्षेत्र क्रांति लावा माटे कुरियर ने आपेला फड़ो पाठना आधारे पर नाम, मतलब सहकारी क्षेत्र में जो क्रांति आई थी उसके बारे में कुरियर ने क्या बोला था कि आप आंसर के अंदर आपको बताया हुआ कि 9/9/2012 को डॉक्टर वर्गीस कुरियन जब 91 ईयर्स के हुए थे तब उनकी मृत्यु हुई थी। पर लेकिन जब तक वो अमूल डेयरी में थे और उन्होंने जो अमूल डेयरी का बीज वाया हुआ था वो वट वृक्ष बन गया और आज खेडूत है जो श्रमजीव है जो काम करते हैं वो इससे बहुत फायदा हो रहा है उनको, क्योंकि उनको इसमें नौकरी मिल पा रही है। जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं जिनको जिनके पास नौकरी नहीं है, जो अपने रोज की दो अच्छी रोटी भी नहीं खा पा रहे वो इसमें काम करके अपना वो सब कर पा रहे। और इस आंसर के अंदर बताया है कि जो डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे उन्होंने जो भी काम किया था अमूल डेयरी के अंदर और जो संस्थाएं खोली थी उसकी वजह से बहुत लोगों का उद्धार हुआ था। और विश्व भर के अंदर मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर जो अमूल डेयरी है वो आज बहुत फेमस है और 50 से भी ज़्यादा देशों के अंदर उसका नाम। इसके अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू ऐसे कई महान व्यक्तियों के साथ में उनकी दोस्ती थी, मित्रता थी और उनके साथ में मिलकर उन्होंने सब काम किया था। और सहकार जो वर्ड है उसको अपनी ज़िंदगी में उतारा था। सहकार इस वर्ड के ऊपर एक लाइन भी बनी हुई है जिसका मतलब है सहकार बिना सहकार न होता। इसका मतलब है अगर आपके बीच में सहकार मतलब यूनिटी नहीं होगी तो आप कुछ भी काम नहीं पर कर पाएंगे। और जो आज की हमारी PPT बनी है प्रेजेंटेशन वो भी हमारे सबके सहकार की वजह से बन पाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।